but please don't go to the ape tree. Now, for example, अगर ये सीट किसी के लिए रिजर्व्ड है, and I say they don't sit on this seat, so means with why I means all the seats are available, and I say don't sit on this seat. तो इस सीट पे तो मैं उस वक्त बैठूंगा जब मेरे दिल में कोई ख्वाहिश होगी मैं इस पे बैठूं, वरना कहीं और बैठ जाऊंगा. Means I will sit somewhere else, not exactly on that seat. लेकिन अगर मेरे दिल में कुछ है कि ये तो मेरे इसी पे बैठना तो है, या ये मेरी जरूरत है इस पे बैठ जाऊं, या इसे चेक करूं किस तरह है, वो जो जिबिलत होती है, वो जो तमन्ना होती है दिल में, अगर वो है तो फिर तो इस सीट से कोई नहीं रोक सकता. So you want to say that he put that thought in their mind that why not to use that tree? अब उसने डाला या अल्लाह ने डाला? तो अल्लाह ने ही डाला. तो ये अल्लाह ने वो डाल दिया था. उसने उसको उबारा. ठीक है? उसने उसको उबारा. Okay. लेकिन The tree will solve the problem. The free will of human beings, basically, which has been given. Okay. Here we, this tree, about the Quran, in another place, Taha, we mention. Surah Taha, we are having some indication of this tree. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ क्या मैं तुम्हें बताऊँ? Means shouldn't I tell you? आला शजरतिल खुल्द वो हमेशगी का जो दरख्त है खालिदीन खालिद खालिदीन फीह अबदा मीन शुडंट आई टेल यू द ट्री इन व्हिच देयर इज फॉरएवरनेस व मुल्क ला यबला एंड द किंगडम व्हिच विल नॉट पेरिश शुडंट आई टेल यू द ट्री फअकला मिनहा बोथ ऑफ देम ate the tree. Did they survive? No. But are we not the enemies? He was our father. So we are, he is in our form. And this tree is going. Right? This tree is traced back to him. So he is living in the form of us. Right? Means मुझे कोई देखे मेरे यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बूढ़ा मुझसे मिले मेरे दादा की एज का फॉर एग्जाम्पल वो मुझे देखते ही पहचान लेता है चाहे उसके पोते हों हमारी आंखें उस तरह है हमारा ये आदत उस तरह है तो वो अपनी वो जो प्यास होगी उससे मिलने के लिए वो मुझसे मिल के बुझाएगा राइट सो वो तो नहीं रहे लेकिन हम तो हैं हम तो डायरेक्ट उनके डिसेंडेंट हैं कि शजर है नसब में means if I want to trace my शजर I will go to Adam right तो ये शजर तो कोई ट्री नहीं निकला ये तो हमेशगी का कोई चीज निकला है okay فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا उन पे उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गई سَوْآتُهُمَا अब ये कौन सा नहीं होते कि उसको बंदा खा ले तो बस शर्मगाहें जाहिर हो जाती है और वतफिका यखसिफान अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना और फिर वो उन जुगों को उसी बाग के पत्तों से छुपाने लगे दे स्टार्टेड कवरिंग देम विद द लीव्स ऑफ देयर गार्डन द प्लांट्स ऑफ देयर गार्डन दे स्टार्टेड कवरिंग देम तो यहां पे हमने अपनी एक मंतक ये निकाली कि बस उनके जन्नती कुछ कपड़े थे जो भी वो मेवा खाया वो कपड़े गायब हो गए तो उन पे अपना जिस्म जाहिर हो गया तो वो फिर उनको कवर करने लगे राइट यानी ये हमारी एक सोच है ना क्योंकि हम उस जन्नत को ले रहे हैं तो उस जन्नत में तो फिर कुछ चीजें डिफरेंट होंगी ना वहां से आती हुई यहां तक अच्छा वासा आदम रब्बहु फहवा और आदम means he was misled. Okay. अब एक और आया में we have या बनी आदम
either kids of Adam, la yaftinannakum ash-shaytan. The shaytan tumhe us tarah na warnaye, us tarah na uslaye. Kama akhraj abikum min al-jannah, jis tarah usne aapke baap dada ko nikala. क्या हमें अब शैतान वही दरख्त का मेवा खिलाता है? शैतान उसी तरीके से आपको भी जनावर बनाएगा, फुसलाएगा, जिस तरह उसने आपके बाप दादा को जो है ना वो डिसीव किया था, फुसलाया था, राइट? यम से हो अनुमा लिबास अनुमा, उनके तो शैतान ने कपड़े उतार दिए. हम नहीं कहते यार ये काम क्या काम कर दिए, ये तो आपने कपड़े उतार दिए. इस तरह हम तरसी में कहते हैं बेइज्जती करना, जिस्म को जाहिर करना, इस तरह. तो कहते हैं ये शैतान उसी तरीके से अटैक करेगा, उसी तरीके से आपके कपड़े भी उतारेगा. तो वो अभी मेवा खिला के नहीं उतारता, राइट? बाकी जो है ना ये जो पहले इसको करने यहां पे वही स्टोरी है. फलम मा जात अशजरा, जब उन्होंने चख लिया उस दरख्त को, मीन व्हेन दे टेस्टेड द ट्री, बदत लहुमा सौआतुहुमा, देयर द हिडन थिंग्स रिवील्ड टू हिम, वतफिका यक्सिफान मिन वरकिल जन्ना, और फिर वो पत्तों से उन जुगों को छुपाने लगे. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ, اور آپ کے means your رب said that didn't I stop you not to go to the tree. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, یہ تو تیرا دشمن تھا جس نے تو کام خراب کر دیئے. اس ورڈ نے سب سے بڑا مسئلہ دے رہا کیے हमारे कॉन्सेप्ट में. इहबितु बादुकुम लिबादिन अदु, काल अहबितु इहबितु हबता, उतरो इधर से, बस अब और इधर नहीं रह सकते, उतरो इधर से. बादुकुम लिबादिन अदु वलकुम फिल अर्द मुस्तकर वराय. अब इस उतरो का हमने ये मतलब लिया कि जैसे ये वो उतरो है कि उधर से इधर उतरो, ये अरबी में कॉमनली यूज होता है सवारी से उतरने के लिए. फरमाइश की मीट से तंग आ गए थे तो अल्लाह ने उन्हें भी कहा एह भी तू मिसरक, मिसर का मतलब ये चीजें यहाँ नहीं है, बस जाओ. فَإِنْ مَرَكُمْ مَا سَعْتُمْ وَرُغِبَتْ عَلَيْهِمْ مُسْتِنْتَتْ وَالْمَسْكَنَا مَبَعُوا دِلَا. تو کیا بنی اسرائیل آسمان سے اتر رہے تھے؟ نہیں, تو یہاں سے ہی جا رہے تھے. نکلو اتر جاؤ, means we will have to use it in these terms, right? تو یہ لفظ بھی مسئلہ حل کر رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ آسمان سے اتر, बंदा ऊंची जगह से भी उतर सकता है. फॉर एग्जाम्पल जो जन्नत जो बाग जिसमें वो रह रहे थे, जहां उनकी एक परवरिश होनी थी, जहां पे उनकी एक तरबियत होनी थी, वो किसी हाइट पे था, वहां से नीचे उतरने का था, बस निकलो इधर से. तो एक भी तू हबता, कुरान मजीद ने ये कई जगह पे इस्तेमाल किया. अब मेरे ख्याल में स्टोरी से तो पर्दा उठ गया है, अल्लाह ने तो बड़े पर्दे में बात कही थी, लेकिन हमने समझाने के लिए उससे चादर खींच ली. आपको पता है बच्चे जो पूछते हैं, सॉरी टू से यू विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, देन यू मे अंडरस्टैंड दैट बिकॉज़ आई कैन से दिस इन उर्दू में. जब हमसे बच्चे पूछते हैं, जब उनका कोई और ये भाई बहन आ जाता है इस दुनिया में, तो जब हम छोटे थे हम माँ बाप से पूछते कि ये कहाँ से आया है, तो वो क्या कहते हैं, वो हमें कहते ये नदी से हमें मिला है. अब चूंकि मॉडर्न हो गया है दौर, तो दे से इट वॉज इन हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हैं, तो बच्चे फिर फरमाइश करते हैं कि हाँ एक और भी ले आओ हॉस्पिटल से, मिल गए एक और भी ले आओ. लेकिन क्या जब हम बड़े होंगे तो हमने अपने पेरेंट्स से कह दिए कि तुम तो गलत कह रहे थे, नहीं तुम्हें समझ आ जाती है कहाँ से आ रहे बच्चे, राइट. तो ये अल्लाह एक नबी और उसकी बीवी का जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों कपल थे, कपल राइट, ये मियां बीवी थे. जिस तरह बाहमी मिलाप रमजान में हालत रोजा मना होता है, इसी तरह इन मियां बीवी पे भी यही मिलाप मना था, और शैतान ने उनको उसी की तरफ जो है ना रागिब किया. देखें वो फर्स्ट बशर है, उन्हें कुछ नहीं पता कि मेरे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इनका काम क्या है. फर्स्ट बशर है, शैतान समझा रहे इस चीज का ये काम है और इस चीज का ये काम है, अल्लाह रोक रहे ना करो. लेकिन अल्लाह ने ही वो जिबिलत तदारी है कि आपको वो चीज करने में जो है ना वो कोई जिबिलत डाली है, वो इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट है. सो दे डिड इट एंड द जनरेशन स्टार्टेड. अब शैतान क्यों कर रहा था? क्लाइंट्स मिलेंगे उसको ज्यादा, टू गेट मोर क्लाइंट्स. यस नो, यहाँ पे हम यानी हम यहाँ से थोड़ा सा आलम बाला पे चले जाते हैं, आलम बाला जहाँ पे चीजें डिसाइड हो रही हैं, ठीक है. तो आपको पता है जब अल्लाह ने कहा दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट ह्यूमन, तो उसके साथ किसी ने इख्तिलाफ किया था, इख्तिलाफ दोनों ने किया था, फरिश्तों ने भी किया था, शैतान ने भी किया था, ठीक है. ये ना करो, ये काम खराब कर देंगे. तो फरिश्तों ने इस वजह से कहा था कि कहीं वो ये ना ये नापरमानी करेंगे, सजा मिलेगी और ये होगा वो, तो ये चीज ना हो तो बेहतर है. लेकिन जब नहीं मैंने करने को, उन्होंने कहा बस ठीक है आपने करने, क्योंकि फरिश्तों से कहे आपको वो बातें मालूम नहीं है जो मुझे मालूम है. बिल्कुल. तो शैतान अड़ गया, कहते नहीं मैं ये साबित करूंगा ये ठीक नहीं है, और वो इसी साबित करने पे लगा हुआ है. तो देखिए वहां से तो उनकी छुट्टी हो गई शैतान की, अब उसका तो गर्दन मरोड़ नहीं है, उसे टाइम चाहिए. देखिए हिज क्लू वॉज दैट यू गिव इट मोर टाइम, मीन्स उसने तो सिलसिला स्टार्ट कर लिया ना अपना टाइम लेने के लिए, ये जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया अपना टाइम लेने के लिए ताकि प्रूव करे एट द एंड. और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ना कि इन पे रहमान ही जीतेगा, शैतान हार जाएगा, साबित हो जाएगा, ठीक है. तो वो यानी बार बार ये आता है ना कि मुझे मुहलत दो ताकि मैं साबित करूं. तो सिर्फ आदम और हवा से तो कर दिया साबित, वकलाए ना, यानी अल्लाह ने मना किया था उन्होंने ये बात नहीं मानी. यहां पे एक बात है, इसका जो नाम इंसान रखा गया ना, तो कुरान में एक जगह पे है नस्यम मनसिया, भूल ये भूल गया था कि अल्लाह ने किस काम से रोका हुआ. कभी कभार इस तरह होता है ना जब जिबिलत सवार हो जाती है सर पे, तो बंदा सब कुछ भूल जाता है, फिर बाद में एहसास होता है कि ये मैंने क्या किया, ठीक है. तो वो भूलने के फेस में फिर समझ आई वो ये तो ये जो शैतान के ये चीजें तो इसी के लिए है. और एक शजर स्टार्ट हो गई, कैसी लगी स्टोरी, कौन सी आपको अट्रैक्ट कर रही है? अच्छा अब आप यानी ये देखिए पीछे जाए वहां पे जहां पे हम उसको छोड़ गए थे एप्स तक. देखें ये चाहे हंड्रेड्स में हो, ये मिलियंस में हो, जितने भी हो, यहां तक इनको हम इंसान नुमा